गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज के हम ब्लॉग में हम कुछ नए दूर जाने की सोच रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा नहीं है, मेरे भाई ने बताया कि हम कहीं दूर जाएंगे और कुछ खाएंगे भी बना के वहीं पे। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। तू भी जाएगी हमारे साथ? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा ना, जाए यहाँ से। क्यों नहीं जाएगी मैगू? चलना हमारे साथ। मेरा मन नहीं कर रहा, देखो कितने बार बोलूं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। सो गाइस, हम चलने को तैयार है। तो मेरा भाई ने स्कूटी रेडी कर दी है और सुल्तान भाई ने भी रेडी कर दी है, तो हम आगे चलते हैं। सो गाइस, हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो मम्मी जी नमस्ते, ख्याल रखना, ठीक है? चल भाई। गाइस, यहाँ हम बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे आए हैं। गाइस, कालसी आ चुके हैं हम। सो गाइस, पूरा सामान ले लिया है मैगी का, तो इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस, अभी हम उस पहाड़ पे जा रहे हैं, वहाँ पे मैगी बनाएंगे और मजे करेंगे। दोस्तों, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो यमुनोत्री जाता है रास्ता, और जो पीछे आप देख सकते हो वो रोड चक्र। लेकिन एक सेकंड, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चक्राता के लिए जाता है, तो हम यमुनोत्री वाली रोड से जाएंगे ऊपर उस पहाड़ पे। तो गाइस, यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है, काफी सुंदर है, और वहाँ पे हमारा है प्यारा सा विकास नगर। गाइस, हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। कुछ भी।
ये हमारा पूरा विकास नगर, कालसी, सब पूरा देहरादून वहाँ तक भी आता है, देहरादून उधर साइड है, ये हमारा विकास नगर और कालसी है। तो यहाँ देख सकते हो गाइस कितनी सुंदर जगह है। अबे मेरे को ले जाते थे तो ले जा, पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस सामने ये जो ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ हमारा गांव है। सो गाइस हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि जो ये पहाड़ है ना, इसके अभी पीछे जाएंगे हम, तो वहीं पे हम अपना लंच बनाएंगे। सो गाइस हम उधर जाएंगे मैगी बनाने, और मैंने चश्मा भी लगा लिया, मुझे डिग्गी में मिल गया। अति हाथ बढ़ाना। सो गाइस हम पता नहीं कैसे कैसे रास्ते पे आ रहे, वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। लोकेशन मिल चुकी है मैगी पकाने के लिए। सो गाइस हमने पत्थर का इंतजाम कर दिया है, पता नहीं कैसे मिले, थोड़ी सी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली है। और ओए ओए इसकी सर पे मत फेंक दियो, बर्तन दे तू मुझे, अब थोड़ा नाप के देखते हैं। पानी डाल दो थोड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। हमने तो गाइस हमने बर्तन को सेट कर लिया है, यहाँ पे आग जलाने की कोशिश हो रही है। बड़ी पता नहीं बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग जलाई है, पता नहीं कैसे कैसे। सो गाइस बड़ी मुश्किल के बाद आग सेट कर लिया तेल। चार टमाटर एक प्याज अकेले लड़ेगी, बाकी खाने की चीजें अंदर है। भाई प्याज काट रहा है, तो मैं यहाँ पे सारे नमक नमक एक साथ लगा देता हूँ। सो गाइस मैंने नमक और ये पिसा हुआ नमक और ये सफ़ेद नमक रख चुका है थालियों में, और आगे पकाते हैं। भाई ने पूरे टमाटर काट दिए, प्याज भी डाल दी। तो गाइस किस तरह से ये थोड़ी ब्राउन होने लगी है, ब्राउन मुंगे है। तो इन सारी मैगियों को हम छिल छुल कर अलग रखते हैं। सो गाइस हमने मैगी निकाल दिया है, मसाला उसमें डाल दिया है। क्या डाल दिया? सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं, मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है। ये लोग मैगी बना रहे हैं, तो इनको मैगी बना दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। दोस्तों यहाँ मैगी बन चुकी है हमारी, और मैगी पूरी तैयार हो चुकी है। मैं आपको मैगी दिखा देता हूँ हमारी जो बन गई है, कुछ ऐसी दिख रही है वो, ये देखो। ये लोग आ चुके हैं, ये देख रख सकते हो, ये हम मेरे पीछे है, दोनों के दोनों चम्मच लेके आए हैं या नहीं आए, ये भी हम इनसे पता करते हैं, और अगर ही नहीं आएंगे तो इन दोनों की हम कुटाई करेंगे। और ला दिया है और चम्मच भी ला दिया है, और तुम्हारे कुछ और भी लाया है, मिर्च मिर्च नहीं, तुम्हारे कुछ और लाया है, मिर्च नहीं मिली, बिना मिर्च के मीठा भी ला रहे। ये हमारे लिए कुछ मीठा लाया है, ये हमारे लिए कुछ मीठा लाया है, और ये मीठा क्या है, इसको क्या बोलते हैं? बर्फी, बर्फी बोलते हैं भाई, बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा। इसको खाने के लिए मेरे को अपना मास्क उतारना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है, और मेरे भाई ने बनाई है, दिखने में तो टेस्टी लग रही है, लेकिन पता नहीं खाने में कैसी होगी। कैसी होगी गोलू? बढ़िया, अरे खा तो ले तब बोलियो। तो यहाँ सुल्तान भैया भी आ चुके हैं, अब हम खाते हैं मैगी। सो गाइस मैगी बन चुकी है, अब बारी इसको टेस्ट करने की, तो इसको टेस्ट करने वाले हैं। मजेदार है भाई। सो गाइस हमने मैगी काफी खा ली है, डब्बा भी खत्म कर दिया है हम सब ने। देख लियो।
आज का ब्लॉग यही एंड होता है। तो गाइस हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक खूबसूरत जगह पर, और भाई हमारे वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करो और ताकि हम ऐसी नई नई वीडियो डाल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय। यही नहीं अभी और सुनिए।